नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। मैं पुष्पेंद्र धाकड़ और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संस्कृत में अवकाश का प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखा जाता है और हमें कैसे लिखना चाहिए। तो देखिएगा, मैंने इसके पहले भी निबंध के वीडियो भी बना के डाले हुए, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बाकी और वीडियोज़ भी चेक करिएगा। और बिल्कुल संस्कृत में अगर आपको इंटरेस्ट है तो पूरे संस्कृत ग्रामर के और भी बाकी वीडियो चेक करिएगा, मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम, आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपको कितने भी दिन की छुट्टी का जो अवकाश का प्रार्थना पत्र हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने पंच दिवसा नाम का किया हुआ है, तो आपको मैं बता दूंगा कैसे लिखना होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले लिखते हैं तो आपको प्रति लगाएंगे, श्रीमंत प्राचार्य महोदय, मतलब कि श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर आपको स्कूल का नाम लिखना होता है, अगर पेपर में मेंशन है किसी स्कूल का नाम तो लिख दीजिए, वरना कुछ आवासा स्कूल का नाम लिखना है, फ्लाई हाई ग्लोबल विद्यालय। और जगह का नाम लिखा है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं लिखा है तो मत करिए, शाहजहाँबाद भोपाल मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब हम आप आते हैं विषय पे, विषह, यहाँ पर विषय लगाएंगे, आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। महोदय, महोदय भी लिख सकते हैं और श्रीमंत है भी लिख सकते हैं, तो आप महोदय लिखना हो तो महोदय लिख लीजिए और श्रीमंत है लिखना है तो श्रीमंत लिख लीजिए। सेवायाम सविनयम निवेदनम, मतलब सेवा में ये है कि सभी ने नर्म निवेदन है कि इदम, यह कि यद अयम अद अकस्मात ज्वर पीड़िता अस्मि, यद अयम अद मतलब यहाँ है कि मैं अद मतलब आज, अकस्मात मतलब अचानक, ज्वर पीड़िता मतलब बुखार से पीड़ित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, बस वो ही लिखा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो मैं मतलब अचानक मुझे बुखार हो गया है, अतएव इसलिए विद्यालय आगंतुम, विद्यालय मतलब स्कूल आने में, सर्वथा मतलब सर्वथा असमर्थ, मतलब विद्यालय ने अनेबल हूँ, आ नहीं सकता हूँ तो विद्यालय में नहीं आ पाऊँगा, कृपया प्लीज़ पंच दिवसा नाम आपका सार्थम स्वीकुर्वन्तु, तो कृपया पाँच दिन का मेरा आपका स्वीकार करें। अब यहाँ पर आप पाँच दिन की जगह पेपर में जैसे दो दिन का आता है, तीन दिन का आता है, चार दिन का आता है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पर चेंज कर देना है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद और दिनांक लिख देना है। फिर इसके बाद जो दिनांक है ना, उसी के सीध में बिल्कुल उसी जो दिनांक जिस लाइन में लिखा है उसी लाइन में आपको भवदीय शिष्य है लिखना है, और उसके नीचे आपको अगर कोई नाम मेंशन है, रमेश सुरेश जो भी नाम है, तो आप वो नाम लिख दीजिए, और नाम नहीं है तो आवासादा कुछ भी, आपको अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। और इसके नीचे आपको फिर कौन सी क्लास में है तो वो सब आप लिख सकते हैं, अगर पेपर में मेंशन है तो। अगर पेपर में नाम नहीं है तो नाम आप अपना खुद का मत लिखिएगा, विद्यालय का नाम मेंशन नहीं है तो अपना खुद का विद्यालय का नाम मत लिखिएगा, आवासा लिखिएगा। और अगर जो दिया है पेपर में कि आप ये हैं और ये आपका विद्यालय का नाम है और आप इस क्लास में पढ़ते हैं, तो फिर आप वो मेंशन कर दिए, और नहीं दिया तो मत लिखिएगा। तो इसी के साथ आपका जो आपका सार्थम प्रार्थना पत्रम जो था वो आपका फिनिश हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपसे कि आपको समझ में आ गया इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। तो आप बिल्कुल आप पेपर में लिखेंगे तो आपको बाकायदा पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे इस तरह से लिखने पर। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।